हेलो, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? तो आज इवनिंग का टाइम है और मैंने व्लॉग की शुरुआत कर दी है। आज है 23 जुलाई और आप मेरी आंखें देख सकते हो कैसी हो रही हैं। अजीब सी सारी काली काली की रात को सेक के स्याही गल लेनी तो घर की स्याही भाई फैले बिना रंदी नहीं। और फिर ये जब पे हमेशा ही नहाना हो कि मतलब ना बिना साबुन बिना फेस वॉश लगाए यूं ही, तो इस वजह से ये अच्छे से उतर नहीं पाती सिंपल पानी ते। और कल वीडियो डाली थी मैंने जो लेबर रूम की थी। आप ये बताया करो, जो आपको वीडियो पसंद आए ना शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए हुए हैं और एक दो हैं जो नेगेटिव भी हैं जिनको मैं इग्नोर कर रही हूँ, क्योंकि बेफालतू का बेमतलब की टेंशन लेने का कोई फ़ायदा ही है ही नहीं। क्योंकि पता नहीं, समाज में अच्छे लोगों के साथ बहुत गंदे लोग भी होते हैं, तो उनसे बच के रहें जितना उतना ही ठीक है, तो मैंने तो सोच रखा है। तो मतलब वह बात अपने देसी भाषा में कहया करें, किचड़ मंडला मान तो छिटम छिट होया करें, तो बस इवा छिटम छिट होना के जरूरी है, हैं तो दुनिया थोड़ी बदलेगी। दुनिया तो नुए रहेगी जिसका काम भोकण का, तो वो कहेंगे। और सबसे पहले व्लॉग शुरुआत करने से पहले आज का जो व्लॉग है वो उससे आगे का है। और लो भाई, 7 बज गए, व्लॉग की शुरुआत करी थी जब 6 बज रहे थे, और फिर बालक भी संभालना जरूरी हो जाए है। घर गाले जा रहे हैं आज बुआ ना सूट दुआन, और उर्वी भी साथ में जा रही है, तो मैं थी, मैं सोचा चलो इतना बैठी हूँ, इतना बैठी बैठी कर ली व्लॉग की शुरुआत। तो जहाँ तक व्लॉग की शुरुआत कर दी थी, टाइम पास भी हो जाएगा मका और व्लॉग भी बन जाएगा। तो आपको दिखा देती हूँ मैं एक बार डबल सीटर सोफ़े कवर, तो जो कि मेरे लिंक पे अवेलेबल हैं ये, तो बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन हैं और स्ट्रेचेबल हैं, बहुत अच्छे से आप इनको मैनेज कर सकते हो। ये मेरे लिंक पे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आप परचेज करना चाहते हो या एक बार विजिट करके ज़रूर देखना, क्योंकि बिना विजिट किए हम बता नहीं सकते ना उस चीज़ के बारे में। तो ज़रूर विजिट करके देखना, बहुत अच्छे अच्छे कवर सोफ़े कवर कलर कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे मेरा लिंक पे, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो नए आते हैं भाई मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर दिया करो अगर आपको व्लॉग अच्छे लगते हैं तो। और बात थी कमेंट्स की, तो भाई जिनकी जैसी सोच होती है वो वैसे ही कमेंट करते हैं, और बहुत सारे कमेंट आए हुए थे पहले कि मतलब आपने बताया नहीं नॉर्मल है, या फिर उस टाइम पे व्लॉग नहीं डाल रहे कि आप, तो उस टाइम पे भाई मैं बता दूँ आपको, आज मेरी सिजेरियन से डिलीवरी हुई है, मतलब बड़े ऑपरेशन से। उर्वी के टाइम भी बड़ा ऑपरेशन हुआ था और अब भी, वो ट्राई किया नॉर्मल के लिए, आप लोगों को पता ही है, आप लोगों के साथ हर बात मैंने शेयर की है। मैं चाहती थी कि अब की बार नॉर्मल हो, नॉर्मल हो, लेकिन वही बात है जो किस्मत में है भाई वही होता है, तो नहीं थी शायद किस्मत में। और शायद उस टाइम पे मैं आपको दिखाती हूँ क्या कुछ रहा, हालांकि कई डॉक्टर ने बोला था कि आपकी नॉर्मल हो जाएगी, तो जो पहले भी चेक करवा के आई, मतलब तकरीबन जितने को दिखाया वो नॉर्मल के चांसेस ज़्यादा बता रहे थे, लेकिन एकदम ऐसा क्या हुआ कि मतलब सिजेरियन करना पड़ा। एकदम से ही मुझे ना ओटी में ले जाया गया, मतलब जब नॉर्मल ट्राई कर रहे थे तो 5 मिनट के अंदर अंदर की, मतलब अब इसको हमारे बस की नहीं है और कुछ भी हो सकता है, तो इसको ऑपरेशन थिएटर में लेके चलो। तो तभी की तभी वहाँ पर मेरी जो चप्पल थी नहीं, मैंने निकाल रखी थी बेड के पास, मेरी वो भी गुम होगी, चलो वो तो कोई बात नहीं। लेकिन बता रही हूँ, अगर आप लेबर रूम में जाओ ना, अगर कोई प्रेग्नेंट है और पीजीआई में आप जाओ, तो पीजीआई में हुई थी मेरी डिलीवरी, तो वहीं पर मैं गई थी। और अगर आप वहाँ जाओ तो चप्पल वगैरह फ़ोन वगैरह अपने से दूर रखना, क्योंकि फ़ोन तो मैंने ना काफ़ी टाइम पहले ही दे दिया था, वो भी दिखाऊँगी मैं, क्योंकि मेरे को ये लगा था कि जब पेन स्टार्ट होगा और उस टाइम पर एकदम से मुझे ले जाया जाएगा डिलीवरी रूम में, उस टाइम तो ऑपरेशन थिएटर वाली तो मेरे दिमाग में थी नहीं कि मुझे ऑपरेशन थिएटर में जाना पड़ेगा, लेकिन ये था डिलीवरी रूम में जब ले जाएंगे तो फ़ोन किसके हवाले करके जाऊंगी मैं, या तो कोई जिम्मेदारी लेगा नहीं, तो इसलिए पहले दे दिया था। और जो आपकी चप्पल वगैरह है वो भी वही, तो एक वीडियो ये भी बनाऊँगी मैं अगर आप कहोगे तो, कि मतलब डिलीवरी से पहले क्या क्या सामान लेके जाना चाहिए, किस किस सामान की हमें वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूँगी, क्योंकि
एक्सपीरियंस बेस पे है मैं ये बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की हमें भी जरूरत पड़ी थी जो हम लेके नहीं गए थे। हालांकि पहले सिजेरियन से और रखी है गुड़िया, उसके बावजूद भी मतलब दिमाग से उतर जाता कि ये सामान हमें जरूरत। लेकिन अब मेरे मन में ना उस टाइम बिल्कुल 1% भी ये नहीं था कि मुझे मतलब ऑपरेशन से बेबी होने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ये था कि नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा था कि नॉर्मल ही होगा। तो बस उसी चक्कर में मैं रह गई, वो 1% नहीं था कि मतलब। लेकिन जब सिजेरियन होता ना भाई, तो मतलब शरीर का तो मतलब ये समझ लो 50% 90% आपका सत्यानाश है। वो जो डिलीवरी टाइम पे पेन होता वो तो कुछ ही मिनट का होता, मतलब 1-2 घंटे का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 का होगा। लेकिन ऑपरेशन के बाद तो जो जब आपकी सुन खुलती है ना, जब वो जो इंजेक्शन लगाते हैं उसके बाद, फिर तो बुरा हाल हो जाता है। मतलब तो कम से कम 24 घंटे तो आपको सीधा लेटना होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो भाई हम नो को गए थे, और नो को वो क्लिप मैंने आपको दिखाई लेबरूम की, उसके बाद की भी आगे की भी दिखाऊंगी। और 13 को हम शाम को आए थे, तो 5 दिन मतलब हम वहाँ रुके, 4-5 दिन लगा लो। उसके बाद वहाँ पर जो कुछ था वहाँ की भी मैंने वीडियो बनाई, अगर बोलोगे तो मैं शेयर कर दूंगी। ऑपरेशन के बाद ये हो गया था भाई कि मतलब ये आपको पता ही है कि मतलब शरीर कटता है, तो 1-24 घंटे तक तो वो बिल्कुल गर्दन तक नहीं उठाने देते, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में दर्द होने का खतरा रहता है। कि उन्होंने बोल दिया था 24 घंटे तक आपको सीधा लेटना है। गर्मी का टाइम था और बहुत बुरा हाल हो गया था वहाँ ना। हालांकि अब की बार पहले से बहुत बहुत अच्छा था, स्टाफ भी और वो बिहेव भी उनका ठीक था। क्योंकि जो स्टार्टिंग में 1-2 बार वो थोड़ा लगा था मेरे को, लेकिन बाद में ठीक था भी थोड़ा बहुत। तो भी वो भी परेशान रहते हैं तो थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन पहले जो था उससे तो बहुत अच्छा था। और सुधार भी था, सफाई भी, मतलब मैं ये कहूँगी पहले इतनी गंदगी थी वहाँ, तो अब की बार बहुत अच्छा था। और क्या, मैं एक बार आप क्लिप दिखा देती हूँ, उसके बाद आप डिसाइड कर लेना। और ये बोल रहे थे ना कि वीडियो आप ये पोस्ट डाल रहे हो, ये और वीडियो डाल रहे हो, बहुत सारे कमेंट्स मुझे आए थे मैंने देख के बाद में। तो भाई वो मैंने अनलिस्टेड कर रखे थे, मतलब डाल दिए थे पहले ही और बाद में उनको पब्लिक किया था। तो क्योंकि उस टाइम ना तो वहाँ पर हॉस्पिटल में नेटवर्क था, और उसके बाद फिर घर पे आने के बाद एकदम से फ़ोन, और ऑपरेशन के बाद आपको पता ही है कैसे क्या सिचुएशन होती है। लेकिन नहीं पता होगा भाई, क्योंकि सबका ऑपरेशन थोड़ी होया होता है, जिसका होता है उन जिसने एक्सपीरियंस किया उन्हीं को पता होगा। तो बोलने से पहले थोड़ा, हाँ ये सिचुएशन मैंने बोला था ना कि हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, तो आप लोग ना सिचुएशन देखा करो। 1 मिनट। हाँ, तो जो कल मैंने व्लॉग आपके साथ शेयर किया था उससे आगे का मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ, और आप खुद ही देख लीजिएगा कैसे क्या हालत हो गई थी मेरी। मतलब जिनका ऑपरेशन होता वो समझ सकते हैं, और जिनको बकवास करने अभी वो तो फिर भी बकवास ही करेंगी। तो वो आपकी थिंकिंग पे है कि आप बकवास करना चाहते हो या फिर किसी की सिचुएशन को समझना चाहते हो, कि मतलब हर किसी की उस टाइम पे क्या पता क्या सिचुएशन हो, है ना, हर कोई क्या बात झेल रहा हो, क्या कुछ हो। तो वो तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते, आप तो बस देख के और कमेंट करके चले जाते हो। हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, अब फिर भी थोड़ा बहुत तो ये होता है ना कि एक तो अच्छे कमेंट आए, एक ये कि भाई लोग कितना गंदगी भरी हुई है समाज में, ये भी ऐसा लगता है ना। तो एक मैं आगे का व्लॉग आपको दिखाती हूँ। अभी अभी 11:35 का टाइम हुआ है, और अभी बेबी की धड़कन चेक करके गए डॉक्टर। मैंने थोड़ी क्लिप बनाई थी, डॉक्टर भी बोली तू बड़ा फन कर रही है, सही मज़े ले रही है। मैं क्या, अभी इतना दर्द नहीं मतलब सहन कर रही हूँ, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती भी अब की बार चीख के। तो मेरे साइड में है कि वो बहुत चीख रही है, तो देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा बताऊंगी। अभी घर वालों से भी वीडियो कॉल पे बात की है, देखते हैं।
12 का टाइम हो गया है और मुझे ट्रिप लगी है, लगी नहीं है मतलब लगाएंगे। और जस्ट अभी मैंने एक रील शेयर की है और रील्स वीडियो भी बना ली गई। दर्द चालू हो जाएंगे, इन्फेक्शन इन्फेक्शन नहीं होगा। बारह बजने में अभी 10 मिनट रहता है और हाथ में मुझे ये लगी है, पेन हो रहा बहुत इसमें, हाँ नस में लगी ना इस वजह से। अभी तक मेरे चेहरे पे आप खुशी देख सकते हो क्योंकि मैंने रील्स वीडियो जस्ट शेयर की है और अभी ये मुझे एंटीबायोटिक दे रहे, इस वजह से एकदम से हाव भाव चेंज हो गए चेहरे के। बाकी जो होगा वो शेयर करूँगी भी, जब तक वीडियो बना सकती हूँ मैं बना रही हूँ। लगी अच्छा, एसटी दे दिया, क्या होता है एसटी? अच्छा तो पहले थोड़ा ना एसटी लगाते, मतलब इंजेक्शन से कोई एलर्जी ना हो तो इसके लिए। ये देखो अभी मना करके गया, फ़ोन भी नहीं बोला लाउड, लेकिन कभी बेरा नहीं क्यों यार। वही 12:15 बज गया, अभी नींद अभी आ नहीं रही और ये ड्रिप लगाई है, मतलब अभी तक लगाई नहीं उन्होंने क्योंकि एएसटी लगी थी। अभी पहले वो चेक करेंगे और अभी एक रील वीडियो मैंने शेयर किया लेकिन शेयर नहीं हो पाई होगी वो, क्योंकि यार रेंज बहुत बहुत ज़्यादा कम है, कोई पोस्ट भी नहीं डाल सकती मैं। और एक दो के मैसेज कमेंट कम्युनिटी में देखे कि मतलब सबके रिप्लाई देने चाहिए थी, अभी चेक करी थी लेकिन नेट ही नहीं चल रहा हुई, मैं क्या करूँ कैसे रिप्लाई दूँ। फिर इसके बाद मेरी ऐसी सिचुएशन नहीं होगी कि मैं रिप्लाई दे पाऊँ, तो इस वजह से दिक्कत हो जाएगी। 12:15 बज गए भाई, 12:20, और अभी दवाई डाल के गई हूँ, मैंने वीडियो नहीं बनाई खाम खा कहते फ़ोन भी खोस लें, ऐसा ही काम हो इनका, तो देखते हैं। अभी दवाई दी है एंटीबायोटिक की और पता नहीं क्या होगा। 12:30 बज गए भाई और यहाँ मेरे पास में बेड में ना जो जिसको पेन हो रहा है वो बहुत चिल्ला रही है और उसकी सांस ना बार बार उससे मिलने आ रही है, तो कभी पीठ रगड़ रही है कभी, और मैं तो ना अकेली हूँ, मैं बहुत मिस कर रही हूँ। फैमिली साथ में हो ना थोड़ा सपोर्ट होता है और मैं अकेली हूँ इसीलिए थोड़ा सा नर्वस हो रही हूँ, पता नहीं क्या होगा क्या हो। औरों को देख के मेरी हिम्मत टूटती जा रही है भाई, समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या कुछ होगा, कितना दर्द होता होगा पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, देखो क्या कुछ होता है। 12:40 का टाइम हुआ है और पानी वानी पी रही हूँ, हाल फिलहाल कंडीशन ठीक है लेकिन 3 पेशेंट हैं जो चिल्ला रहे हैं, मुझे उनको देख के घबराहट हो रही है बहुत ज़्यादा, मेरा तो हाल अभी ठीक है। रात का 1 बज गया और बार बार ना बच्चे की धड़कन चेक कर रहे हैं, अब फिर धड़कन चेक करके गए हैं, इस वजह से नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही, चारों तरफ बस मेरा तो ध्यान बटा हुआ है,
अच्छा ज़्यादातर मैं चीख रही है ना, इनको ही देख के मेरे तो थोड़ी घबराहट हो रही है। एक बज के 20 मिनट होया है और मैंने भेजा था दूसरे रूम में कि मतलब थोड़ा एसी लाग रहा, आराम तो सोची फिर उठ नहीं, एक बेड पर दो दो लिटाव थे तो फिर मैं यूरे बैठी जी, मैं तो कूलर आ गए ठीक सूँ, दो दो पगवान सोया जा यूर आराम तो इब सो जू ड्रामा कर। दो बज गए और एक खड़ूस थी वीडियो ना बना दें दी, बार बार लुकमा बनाऊ, और जे 3 पेशेंट थे ना जो चिल्ला रही थी, दो को तो ऑपरेशन के लिए भेज दिया और एक को नॉर्मल डिलीवरी के लिए। मेरा बेरा नहीं क्यों होगा, सस्पेंस में मामला है क्योंकि इन्हें अगर नॉर्मल होगा तो ठीक है, नहीं तो सिजेरियन करेंगे। पूरे 3:30 बज गए भाई और मुझे उस बेड से वो कूलर वाला बेड है ना आपको दिख रहा है ये वाला, इस पे थी मैं, इससे यहाँ शिफ्ट कर दिया क्योंकि ये लगाई गई है यहाँ पर, धड़कन चेक कर रहे हैं इसलिए। 4:30 बज गए भाई, चाची आ रही है क्योंकि दर्द थोड़े थोड़े तेज हो गए हैं और वो हुआ है तो डॉक्टर ने अपने आप हो जाए सिजेरियन तो बच भी सका है, तो देखो फोन ही मैं चाची ने दूंगी भाई। आखिरकार जिस तरह डरा के भाई बात बने सिजेरियन पे करना पड़ा, बोलने की उम्मीद नहीं, आसन की भी टूट गया, फोन में बैटरी नहीं। तो भाई बताइयो सिजेरियन तो होया है अगर नॉर्मल थामने के लागे और क्या होया, अभी अभी बॉय हुई है गर्ल हुई है वो भी बताइयो। हाल फिलहाल मैं यूनिट 2 में हूँ और ड्रिप लग रही है हाथों में और वे जा रहे हैं बुआ न लेन और अपनी सासू बाहर जा रही है तो अकेली लौट रही हूँ यार। जोर की प्यास लग रही है, सुबह 10 बजे पानी पिया ना, 10 बजे को 6 बजे चाय पी, 8 बजे पी थी दोबारा चाय, एक तो 5 बजे पी थी 2 बिस्किट और चाय और एक 8 बजे पी थी, उसके बाद पानी की बूंद भी नहीं गई मेरे पेट में और अभी पीना नहीं कुछ भी, तो बैटरी बहुत लो फोन में।